हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। आज इस सीरीज में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका पूरी कंपोस्टिंग प्रोसेस में बड़ा एक अहम रोल है, वो है जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का क्या रोल है हमारी मशरूम इंडस्ट्री में और कैल्शियम कार्बोनेट हम क्यों यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइम कहते हैं, ये हम क्यों यूज करते हैं मशरूम इंडस्ट्री में कंपोस्टिंग प्रोसेस में, और पीएच पीएच क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी आज मैं डिस्कस आपसे करूंगा। आइए चलते हैं। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिप्सम एंड रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम एंड रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मशरूम इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जिप्सम, जिप्सम क्या करता है, पीएच ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट का पीएच कंट्रोल करता है, पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये ग्रीसीनेस जो चिपचिपा चिकनाहट होती है कंपोस्ट में उसको कम करता है। जैसे कई बार हम देखते हैं अभी कंपोस्ट को हाथ में प्रसते हैं तो थोड़ी चिपचिपी सी नजर आती है, चिकनी सी होती है, उसको खत्म करता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन कई केमिकल्स की कंपोस्ट में फ्लॉकुलेशन करता है। फ्लॉकुलेशन क्या, फ्लॉकुलेशन एक प्रोसेस है। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, उसमें अलग 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 मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने कुछ ऐसा केमिकल डाला, उस सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके उसने नीचे बिठा दिया, तो उस प्रोसेस को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, फ्लॉकुलेशन। जिप्सम कंपोस्ट में फ्लॉकुलेशन का काम करता है। ये क्या करता है, जितने भी कह लो केमिकल्स हम डालते हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर के साथ चिपका देता है, अडेयर कर देता है, क्लियर, ऑर्गेनिक मैटर के साथ चिपका देता है। नेक्स्ट है इसमें सबसे, अब जब फ्लॉकुलेशन कर देता है तो उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो है परमिएबिलिटी, परमिएट, जो एयर है एयर प्रॉपरली मूव करती है कंपोस्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि उसको जो ये ग्रीसनेस भी खत्म हो गई, ठीक है, और जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अडेयर हो गए, तो लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल हो जाती है ऑक्सीजन के परमेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका जिप्सम। अब कहता है जिप्सम का ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रिड्यूसिंग नाइट्रोजन लॉस। जिप्सम क्या करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक मैटर के साथ बाउंड करके रखता है, जिससे जो नाइट्रोजन लॉस है एज अ अमोनिया बहुत कम होता है। मोस्टली जो आप नाइट्रोजन यूज कर रहे हो वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए यूज हो जाती है। नेक्स्ट है ये कहता है टाइप नाइट्रोजन कैसे टाइप बाउंड कैसे करता है, एज अ अमोनियम सल्फेट, एज अ अमोनियम सल्फेट बाउंड करके रखता है ये, फिर वही कंपोस्ट की एरेशन। अब ये सारे फैक्टर मिलकर किस चीज को कंट्रोल करते हैं, ये सारे फैक्टर माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ये फेवर करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल हमने देखे थे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्टिनोमाइसिटीज या थर्मोफाइल्स जिन्हें हम बोलते हैं, या मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स और थर्मोफाइल्स के ग्रोथ को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, क्लियर, उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है इससे। देन रिटेनिंग नाइट्रोजन इंक्रीज द हीट। अब जैसे जैसे माइक्रोबियल ग्रोथ होगी नाइट्रोजन रिटेन हो गई, नाइट्रोजन रिटेन मतलब नाइट्रोजन पड़ी है वहां पे, नाइट्रोजन लॉस नहीं हुई, जिससे कहता है इंक्रीज हीट इंक्रीज होती है। हीट इंक्रीज होने से क्या होता है, और आपके फायर फिंचेस ग्रो करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी अनप्लेजेंट जो बदबू है वो खत्म हो जाती है कंपोस्ट की, क्लियर। नेक्स्ट है आपका जिप्सम। कहता है जिप्सम इसके अलावा अलावा और क्या प्रोवाइड करती है, कैल्शियम सल्फर नाइट्रोजन और ट्रेस मिनरल्स, ये भी ऐड करती है इन सब के अलावा, ये सारे तो हो ही रहे हैं, इनके अलावा जिप्सम ये फैक्टर भी क्या क्या, कैल्शियम सल्फर नाइट्रोजन और ट्रेस एलिमेंट्स भी ऐड करती है कंपोस्ट में। सो नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, सिर्फ पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है हमें कंपोस्ट की, और साथ में कैल्शियम सोर्स प्रोवाइड करता है। अब ये करता कैसे है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीएच होता क्या है। पीएच ये मैंने एक पीएच का जो बेसिक पीएच होता क्या है उसके लिए आपको समझाने के लिए एक ये लिया हुआ है, जिसमें अलग अलग पीएच हम शो कर रहे हैं। तो पीएच न्यूट्रल, सेवन पीएच को हम न्यूट्रल पीएच मानते हैं, क्लियर। हमारी जो फंगस ग्रो करती है वो बेस्ट इस रीजन में ग्रो करती है, अगर ये पीएच रीजन है 7.2 से 7 से 8, यानी कि 7.2 के 8 के बीच में भी हो तो हमारी जो अपना फंगस है जो मशरूम माइसिलियम है बहुत बढ़िया ग्रो करता है, क्लियर। देन अगर इसके नीचे एसडी कंडीशन है, मान लीजिए यहां से लेके 6 से लेके 8 तक,
ये पीएच हमें चाहिए ताकि हमारे मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा ग्रो करें। अगर इससे नीचे पीएच जाता है एसडी, उसे हम क्या कहेंगे, एसडी कंपोस्ट। एसडी कंपोस्ट में ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं या कुछ एसिडिक फंगल ग्रो करती है, जो कुछ फंगस या एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करती है, ठीक है। अगर और इसको मेंटेन करने के लिए अगर मान लीजिए पीएच इससे नीचे है, पीएच आपका इससे नीचे है, तो हम क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। अगर पीएच आपका 8 तक है तो बेस्ट है, अगर पीएच आपका इससे ऊपर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम को हम कैल्शियम, जिप्सम बेसिकली केमिकल फॉर्मूला उसका कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट हम ऐड करते हैं। तो ये हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, क्लियर। कैल्शियम कार्बोनेट कब ऐड करना है, जब टूवर्ड एसिडिक है, और जिप्सम कब ऐड करना है, एक्सेस, जब टूवर्ड बेसिक है, और ये हमारी ग्रोथ रीजन है, क्लियर। नेक्स्ट है, कहता है कंपोस्ट का पीएच हमें जरूरी क्यों है, यहां पे यहां से सॉरी मैं मिटा देता हूं एक बार। कहता व्हाई कंपोस्ट पीएच वर्थ मेजरिंग, हमें जरूरी क्यों है उसे मेजर करना, रीजन क्यों, क्योंकि वो डीकंपोजिशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, क्लियर। डीकंपोजिशन प्रोसेस क्या, बेसिकली हम कंपोस्टिंग प्रोसेस होता क्या है, कंपोस्टिंग प्रोसेस क्या है, आपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। जब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम डीकंपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर डीकंपोजिशन कौन कर रहा है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मेसोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। तो इन सब को बढ़िया ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हमें, पीएच, पीएच 6:2 कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए, ये मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ये कंपोस्टिंग है, 6 to 8 में आपकी बेस्ट कंपोस्टिंग होती है, और हमारा जो मशरूम माइसिलियम है वो ग्रो करता है बेस्ट 7 to 8 पीएच में, इसलिए हमारा पीएच मेजर करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है, पीएच मेजर कैसे करते हैं। सो सबसे पहले जो ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे 6 to 8 जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है बहुत इजी ग्रो करते हैं, बढ़िया ग्रो करते हैं, इसको ये डिकम्पोज कहता हूँ इनिशियल। अब ये पीएच कहता है इनिशियल स्टेज में क्या होता है, कंपोस्टिंग के ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर। जैसे कंपोस्टिंग स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेवर करते हैं, किसमें, लिग्निन और सेलुलोज की ब्रेकडाउन में। ये लिग्निन और सेलुलोज क्या है, कार्बन कंपाउंड है। ये कार्बन कंपाउंड कहां प्रेजेंट है, बेस मटीरियल में। बेस मटीरियल आपका क्या है, वीट स्ट्रॉ, पेडी स्ट्रॉ, मस्टर्ड स्ट्रॉ, क्लियर। वीट स्ट्रॉ, पेडी स्ट्रॉ, मस्टर्ड स्ट्रॉ बेस मटेरियल है। बेस मटेरियल क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड डिसॉल्व करने में, ब्रेक डाउन करने में आपके एसिडिक कंडीशंस फेवर करती हैं, क्लियर। यहां पे फिर पीएच का रोल आ गया। नेक्स्ट है, कहता है जितने भी कंपोस्टिंग प्रोसेस है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज होने के बाद जो आपकी फाइनल कंपोस्ट आती है उसका पीएच क्या आएगा आपका, 6 to 8। उसका पीएच क्या आएगा आपका, 6 to 8 न्यूट्रलाइज होने के बाद। यानी कि जब आपका ऑर्गेनिक इनिशियली क्या होता है आपके, फिर मैं बताता हूं, आपका वीट स्ट्रॉ पेडी स्ट्रॉ ये कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड जब डिग्रेड होते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स धीरे 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 और डिग्रेड होने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज होने के बाद जो आपकी पीएच है कंपोस्ट का, वो 6 to 8 के बीच में वेरी करता है। नेक्स्ट है, कहता है एट एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट पे पीएच मेजर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, बट आपकी कंपोस्ट क्या होनी चाहिए, होमोजेनस होनी चाहिए। आपकी कंपोस्ट क्या होनी चाहिए, होमोजेनस। होमोजेनस और हेटरोजेनस ये दो वर्ड यूज होते हैं। होमोजेनस एंड हेटरोजेनस। हेटरोजेनस क्या है, ये बेसिकली मिक्सचर को डिफाइन करते हैं, किसी भी मिक्सचर को डिफाइन करते हैं। होमोजेनस मिक्सचर है, हेटरोजेनस मिक्सचर है। हेटरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, मान लीजिए आपने एक अपना एक बाउल लिया, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी अलग अलग चीजें मिक्स कर दी। अब कहीं पे ए ज्यादा है, कहीं पे बी ज्यादा है, कहीं पे सी ज्यादा है। मान लीजिए आपने 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम सैंपल ले लिया, 10 ग्राम में क्या है, 10 चीजें मिक्स कर दी 1-1 ग्राम। अब कहीं पे कुछ ज्यादा है, कहीं पे कुछ ज्यादा है, कहीं पे कुछ ज्यादा है, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेटरोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या है, मान लीजिए आपने अलग अलग 5 तरह के मिक्सचर ऐड किए, बट जहां से भी आप सैंपल निकाल रहे हो आपको सब मिक्सचर, सब जो कंपोनेंट है वो एक जैसे मिलते हैं। चाहे ए बी सी डी ई एफ, आपने मिक्सचर एक बीकर में डालकर उसे अच्छी तरह शेक कर दिया, आपने सैंपल उठाया, उस सैंपल में आपको ए बी सी डी ई एफ की परसेंटेज एक जैसी मिलती है, उस मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, होमोजेनस मिक्सचर। तो हमें यहाँ पे होमोजेनस कंपोस्ट चाहिए,
पीएच मेजर करने के लिए। अगर बाय चांस आपके पास होमोजेनस कंपोस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी कंपोस्ट का टेम्परेचर वेरी करता है, जहां टेम्परेचर वेरी करता है वहां पे आपका पीएच भी वेरी करेगा। आपका टेम्परेचर वेरी करता है अलग अलग जगह पे, जहां जहां आपका टेम्परेचर वेरी करता है वहां वहां पे लाइकली पीएच भी वेरी करेगा। क्लियर? तो आप कम से कम 8-10 जगह से अलग अलग सैंपल ले लेंगे। सैंपल लेने के बाद क्या करेंगे, उन सैंपलों को आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर उसके सैंपल बना लेंगे, फिर उसका पीएच मेजर करेंगे। क्लियर? सो आप वैरायटी ऑफ स्पॉट से सैंपल लेंगे, वैरायटी ऑफ स्पॉट से सैंपल लेके उनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उनको मिक्स करके उनका कंबाइंड टेस्ट भी कर सकते हैं, या उनका अलग अलग सैंपल लेके उनका भी आप मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द कंपोस्ट। ऐसे आप पीएच कंपोस्ट का डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद जितने ज्यादा आप सैंपल लेंगे या जितने ज्यादा रेप्लिका करेंगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट रहेगा। बट सेकंड क्या है हमारे पास, पीएच। पीएच हम मेजर कैसे करते हैं? सबसे पहले इस पीएच हम मेजर करते हैं सॉइल टेस्टिंग किट से। आपको अमेज़न पे सॉइल टेस्ट किट, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी ना हो जाए, पर होप आप लोगों को समझ आएगा। सॉइल टेस्टिंग किट, सॉइल टेस्टिंग किट क्या है, आपको पीएच के लिए टेस्टिंग किट आती है, अमेज़न पे अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो। इसको हम कंपोस्ट डिटरमाइन करने के लिए भी कर सकते हैं। एक अमेज़न पे आती है टेस्टिंग किट आती है वाटर के लिए, ठीक है, वो भी आप, वो फिश टैंक के पानी के लिए आती है, उसमें आप अमोनिया भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो भी आप परचेस कर सकते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है। अब इसके ऊपर सब कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और कुछ मत कीजिए। सॉइल टेस्टिंग किट से आप इजीली पीएच मेजर कर सकते हैं। दूसरा है आपका पीएच पेपर। आपके जितने भी आसपास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबको कोई ना कोई ग्लासवेयर केमिकल प्रोवाइड करवाता है। अब उस आदमी के पास जाइए, उससे परचेज कर लीजिए, बहुत सस्ती होती है, इजीली आप उसे मेजर कर सकते हैं। सेकंड, आप अगर नहीं मिलाने तो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, जितने भी आपको टेस्टिंग किट्स हैं ये मिल जाएगी। क्लियर? और सिंपली आपने क्या करना है, कंपोस्ट लेनी है, कंपोस्ट को एक बीकर में डालना है, बीकर में डालकर पानी डाल के अच्छी तरह शेक करना है, जो वाटर आएगा उसे डीकेंट कर लेना है, उसमें आपने पेपर स्ट्रिप डालनी है, उसका अपने पीएच देखना है। ये इजी जुगाड़ है, आप इजीली कर सकते हो, बट इसको हम ज्यादा ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो है कैलिब्रेटेड मीटर। मार्केट में कैलिब्रेटेड पीएच मीटर मिलते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक डेस्क पे जो फिक्स रहता है, एक जगह पड़ा रहेगा और इसे यूज करो, आप एक छोटी सी लैब बना लो, उसमें पीएच मीटर रखो, उसमें आप अपना पीएच मेजर कर लो। वहां पे आप पीएच भी, अगर आप लैब सेट करना चाहते हैं, पीएच, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब भी आप मेजर कर सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा है पोर्टेबल। ये पोर्टेबल, ये सब अमेज़न पे अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इजीली। इसको कैलिब्रेट करके यूज करना है हर बार। नेक्स्ट है, आप यूज तो कर सकते हैं पर कैसे करेंगे यूज? सबसे पहले कहता कैलिब्रेटेड पीएच मीटर यूज कर सकते हैं, पीएच पेपर यूज कर सकते हैं, और जिससे हम पीएच मेजर करेंगे। इन सबको मेजर करने के लिए हमें एक एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, जो हम डिस्टिल्ड वाटर में बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, ये साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिकली थोड़ा वेज में हम चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम कंपोस्ट लेते हैं, उसको पीएच मेजर करने के लिए उसको हम अपना ड्राई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने कंपोस्ट ली, उसकी थिन लेयर पैन में डाल के 100, 105 और 110 पे ओवन में 24 घंटे के लिए ड्राई किया। ड्राई करने के बाद क्या किया आपने, उसमें से 5 ग्राम सैंपल लिया, 5 ग्राम सैंपल को एक कंटेनर में, स्मॉल कंटेनर में डाल के उसमें आप 25 ml डिस्टिल वाटर डालते हो। 25 ml डिस्टिल वाटर डालने के बाद आप उसको 5 सेकंड के लिए मिक्सिंग करते हो, 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड मिक्सिंग करने के बाद 10 मिनट तक आप अपना उसको रख देते हो। अब यहाँ पे आप 10 मिनट बाद, चाहे आप पेपर स्ट्रिप से कीजिए, चाहे आप अपना कैलिब्रेटेड मीटर से कीजिए, आप पीएच मेजर कर सकते हैं। तो ये जो कंपोस्ट का पीएच आएगा, ये कंपोस्ट पीएच इन वाटर होगा, पीएच डब्ल्यू, पीएच इन वाटर, कंपोस्ट पीएच इन वाटर होगा। आप ऐसे आप पीएच मेजर कर सकते हो। तो ये मेरा एक कह लो छोटा सा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, पीएच, इन तीनों का आपस में क्या रोल है। पीएच फेवर करता है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, ठीक है, जो हमारी कंपोस्ट बनाते हैं। पीएच मेंटेन किसे करते हैं, जिप्सम से, कैल्शियम कार्बोनेट से,
अगर पीएच 8 से ऊपर जा रहा है तो जिप्सम ऐड करोगे, अगर 8 से नीचे, 7 से नीचे या 6 से नीचे जा रहा है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट करोगे। कैल्शियम कार्बोनेट अवॉइड करें, कम से कम यूज करना। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नाइट्रोजन को एज अ अमोनिया गैस बना के उड़ाता है, तो आपकी नाइट्रोजन लॉस होती है। जिप्सम क्या करता है, आपके जितने भी नाइट्रोजन है उसे बाउंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। आपके जो मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर के साथ आपकी नाइट्रोजन को होल्ड करके रखता है एज अमोनियम सल्फेट, ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम नाइट्रोजन यूटिलाइज हो। तो कोशिश कीजिए जिप्सम यूज करने का, और इनिशियली हर स्टेप पे आप पीएच मेंटेन कर सकते हैं। धैर्य रखें, ये छोटे से स्टेप आपको एक अच्छा कंपोस्टिंग यूनिट खड़ा करने में हेल्प करेंगे, आपको अच्छा ग्रोअर बनने में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इसे शेयर कर देंगे तो उसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।